त्याच्यामुळे आमचं एक भारी भयंकर दिसणं आहे और पारिवारिक मुलाकात थी और इसलिए दीदी आज आई है और पिछली बार भी आई थी। मैं तो कहता हूँ आप आते रहिए, बाकी पॉलिटिकल तो सकाई नहीं है। एक और कर दो, आगे कर दो, ऑडियो नहीं आ रहा। तुम्हारा दीदीला क्या विचार है? जी जी, 25 जून को जो बीजेपी है, भारतीय सरकार है, उन्होंने उसको संविधान हत्या दिन घोषित कर दिया है, ऑफिशियली घोषित किया है 25 जून को, क्योंकि उस दिन इमरजेंसी लागू हुई थी। उस पर क्या कहेंगे आप? आज तो देश में सबसे ज्यादा इमरजेंसी तो मोदी जी का टाइम में ही हो रहा है, तो जो टाइम में आप अगर देखें कि नया संहिता नाम पे जो क्रिमिनल लॉ जो चेंज कर दिया, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा क्या किया। हम लोग समझ में नहीं सकते क्या है, किसी का पता नहीं है। आज FIR कैसे करेगा, कौन किस में FIR करना है, कौन किस बोला है कि वो लोगों को भी समझना जेल में डाल देंगे, सब बात है 6 साल। एवरीबॉडी इज अफ्रेड, तो इमरजेंसी हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्या तो पहले से चेक करना चाहिए। एंड मुंबई में आप लोगों को पता ज्यादा है how they have won this 48 votes after so many years, otherwise this time we were not able to come, I'm sure of it. And this government may not continue also, it is not stable government, unstable government, but my best wishes to the mayor Adita, I will meet Sharad ji also as a senior leader, because whenever I am in Bombay, I always meet Uddhav ji, Sharad ji, even Sajjan Jindal ji also invited me for a cup of tea, but this time is not possible. I told him next time, because he is also doing some business in Bengal also, so we maintain good relation. Mukesh ji also I came because he invited me so many times, and he also used to come to my Bengal Vishwa Bangla convention. So everybody came to me. I also came, but tomorrow I am leaving. So I will attend to you. Didi, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि government stable नहीं है? कैसे stable है? आप समझाओ मेरे को। क्या नीतीश जी से या चंद्रबाबू नायडू से? नहीं 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 नहीं, please. मेहरबानी करके हम किसी को खिलाफ में कुछ नहीं कहने चाहती। ये बार में भी नहीं, खिलाफ में भी नहीं। दीदी इस बार खेला होगा क्या? खेला होगा क्या इस बार? खेला तो शुरू हो गया, चलते रहेगा। दीदी आप यहाँ पर उद्धव जी से मुलाकात की, अब शरद पवार जी से मुलाकात करेंगी, क्या आपके लिस्ट में कांग्रेस का कोई ऐसा नेता जिससे आप मुलाकात करेंगी, क्योंकि कांग्रेस से काफी इधर में नहीं, इधर में जो मुरली दौड़ थे ना, हमारे साथ बहुत अच्छे जान पहचान था, हम एक भी था पार्लियामेंट का, हम मीट करते थे, लेकिन अभी अभी इधर में किसी को पहचानता नहीं है, तो इसी के लिए दिल्ली में जब जाते हैं अभी होता है, लेकिन इधर में तो ऐसा नहीं है, लेकिन इलेक्शन का टाइम में हम जरूर आएंगे, हम उद्धव जी के लिए कैंपेन करेंगे। इंडिया गठबंधन की बात की जाए, लास्ट सवाल, इंडिया गठबंधन की बात की जाए, तो एक बैनर तले कांग्रेस भी है, आप भी हैं, बड़े बड़े चेहरे भी हैं, लेकिन देखा गया है कि आपका कांग्रेस के बीच की मतभेद जो है बढ़ती नजर आई, चाहे दिल्ली की बात की जाए, चाहे बंगाल की बात की जाए, तो इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूती दिलाया जाएगा? अरे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तैयार हुआ है लड़ने के लिए, हम तो सीपीएम कांग्रेस को साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, कि हम तो सीपीएम का साथ लड़ाई करके हम पावर में आया, सीपीएम का साथ हमारा हिस्सा नहीं है। सीपीएम कांग्रेस बीजेपी अगर बंगाल में एक साथ में काम करे तो हमारा लिए दिक्कत होता है, तीन पार्टी मीट है, एक हमने भी किया, लेकिन कांग्रेस ऑल इंडिया में हम उसको खिलाफ नहीं है, लेकिन बंगाल में उसको कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में हम लोग सब इकट्ठा होते ही है। দিদি বাংলা প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন, ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্যে স্টেটমেন্টে আপনার কোনো রিঅ্যাকশন? আমি একটা কথা বলি শুরু, কে কি বলেছিলাম ওর দিন রোজ আমি কাজ করি, মন্ত্রী উনি রাজ্যের মন্ত্রী, তাতে কি যায় আসে, ওর নিজের ওপিনিয়ন বলেছে, আপনি কি সমর্থন করেন? আমি এসব দেখিনি,
শুনিনি না উনি বলেছেন মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ কথা বলি না বললে দুর্ভাগ্য জনক আপনি কি সমর্থন করেন চ্যানেল কোন চ্যানেল আমি এটা কথা বলি এসব কোশ্চেন আশা করি এখানে করবেন না আপনার স্টেটমেন্ট পাওয়া যায় উদ্ধবজি আপনি কি সমর্থন করেন ম্যাডাম বহস করছেন উনি বললে বহস মত झूमे हस्तांतर करा हो 3000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होगा तो ये बंगाल के लिए अच्छा है। देखो सज्जन जिंदल जी भी उधर में दो पावर का फैक्ट्री बना रहे हैं और हमारा जो अंडाल एयरपोर्ट है उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। सौरभ गांगुली इज ऑल्सो डूइंग सो इट्स गुड फॉर बंगाल ऑल्सो एंड फॉर कंट्री ऑल्सो। তিনি সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে 22 তারিখ থেকে সেখানে কি আপনারা মোদী সরকারের কি জনবিরোধী বিভিন্ন নীতি তার বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া যে কি একসঙ্গে লড়াই করবে এরকম না দেখো ইন্ডিয়া টিম ইজ এনাফ স্ট্রং আর ইন্ডিয়া টিম অল দ্য টিম আর ইম্পর্টেন্ট সো আই শুড নট সে এনিথিং অ্যাবাউট পার্লামেন্ট ইট ইজ দ্য এমপিস উইল ডিসাইড এন্ড দে উইল থিংক হোয়াট এভার দে লাইক টু ডু হোয়াট ইজ কারেক্ট। मुताली लोकसभा चुनाव में समीक्षा की गई थी किस तरह से लोगों ने महाविकास आघाड़ी को बहुमत दिया है किस तरह से देखते हो लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने की भाषा की गई थी भाजपा की तरफ से क्या लगता है यहाँ पे महाविकास आघाड़ी जिस तरह से लोगों ने बहुमत दिया है यहाँ पे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी उद्धव जी और उन्होंने जो फाइट की महाराष्ट्र में उसको कैसे देखते आप? बहुत बढ़िया उसको देखो सिंबल भी ले लिया This is absolutely unethical. Instead of that, they fought like tiger, and I like it. But अपन ने ये हमारे पारिवारिक मुलाकात है तो बोले ना बोले आमितो रोज देखी ना आमार जितने को knowledge नहीं आशे let me see first की बोले चे then I can reply. मुझे जो कुछ कहना है मैं ठीक से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहूंगा आप कृपा कर समझिए ये हमारी पारिवारिक मुलाकात थी कृपा कर इसमें राजनीति ज्यादा मत लाइए हम जो हमें कहना होता है हम खुले आप कहते हैं कहने के लिए कुछ हम डरते नहीं है और जहाँ जो कुछ कहना है मैं और दीदी हम कहते हैं और कहेंगे उसमें कुछ डरेंगे नहीं लेकिन थोड़ा सा बात समझिए कि पारिवारिक मुलाकात है इसमें कृपा कर राजनीति ज्यादा मत लाइए। हमारा पार्टी का स्टैंड इज वेरी क्लियर यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अवर मेन आइडियोलॉजी एंड वी यूज टू प्रोटेक्ट इट। दीदी महाराष्ट्र से नहीं तो मिस्टर अमित शाह के मीडिया ऐसा किस तरह से देखते हैं जो तानाशाही को इंदिरा गांधी पे आरोप बड़ा आरोप लगाया है अब संविधान को लेकर